वेलकम बैक टू मन ऑफ द वीडियो। तो कैसे आप सब, आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड ओके होंगे। तो आज सैटरडे और सैटरडे को छुट्टी रहती है हमारी, क्योंकि आईटी सेक्टर है तो बंद रहता है सैटरडे और संडे को। फिर भी यार कल रात को पेस्ट कंट्रोल हुआ था, कॉकरोच ज्यादा है वहाँ पे, उसके वजह से थोड़ा आना पड़ा हम लोग को फिर से एक बार। हो गए सारा काम, जैसे मैं एंटर करता हूँ रेस्टोरेंट में तो वहाँ पे मैं बनाता हूँ आलू दम और राइस, वही खाते हैं विद प्याज चिल्ली, स्पाइसी नहीं था बिल्कुल भी। तो सुबह सुबह नींद भी बहुत आ रही थी, फिर भी यार मैनेजर ने कॉल किया, बताया कि भाई आज जाना है, थोड़ा पेस्ट कंट्रोल होने वाला है तो उसको थोड़ा सामान बाहर निकाल के पेस्ट कंट्रोल कर लेते हैं, फिर एक डेढ़ घंटे का बात है, ज्यादा नहीं है, वो करके हम खत्म करके निकल रहे हैं। तो खाना भी ले लिया हमने, फर्स्ट मैनेजर है जो डिलॉयट के है तो उनके लिए खाना ले लिया है। हैदराबाद सिटी में अभी लगभग डेढ़ महीना हो चुका है, तो पहले पहले जब आया था तो बहुत ही बोर हो रहा था यार, क्योंकि यहाँ पे अचानक से घर छोड़ के आने के बाद काम करने का मन नहीं करता है। अभी तो मजा आ रहा है, सबके साथ कोऑर्डिनेशन जो है परफेक्ट हो गया है, ओके हो गया है। मैनेजर सर है इधर तो, दीपो में आप पहचानते हो उसको। तो रात भर हम सोए नहीं, मेरा छुट्टी कितना, कल रात को 9 बजे हुआ था, 9 बजे मैं चेकआउट करने के बाद हम रूम गए, तो रूम से फिर हम चले गए HY का रूम, नवीन मॉल का जो स्टाफ रूम है कैलिफोर्निया बोरेटो का, तो हम वहाँ गए थे। जितने भी दोस्त थे सबसे भेंट हुआ मिला हमने। अरे यार ये हिंदी लैंग्वेज पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, अटक अटक ठीक से प्रोनाउंस होता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी नेपाली लड़के लोग ही है, सारे के सारे लड़के लोग है, तो दिन भर नेपाली में बात होता है, ड्यूटी में भी सेम टू सेम, अगर ब्रीफिंग हो या कोई मीटिंग्स हो तो इंग्लिश में होती है या तो हिंदी में होती है, लेकिन बाकी टाइम तो भाई पूरा ही नेपाली ही चलता है। यहाँ पे काफी बड़े बड़े बिल्डिंग है यार, हम गाँव में रहते तो मजा आता है ना, चारों तरफ हरियाली पहाड़, तो यहाँ पे देखो सब बिल्डिंग। हमारे पंटर लोग आ रहे हैं पीछे पीछे। हमारे रेस्टोरेंट में हम जहाँ पे काम करते हैं ना, वहाँ पे जितने भी लड़के हैं सबका एक ना एक क्रश है, मेरा भी क्रश है, दीपम का भी क्रश है, उनका भी क्रश है, और हमारे जेम्स भाई का भी क्रश है, सबका क्रश है। तो बता दूं क्रश मतलब कैसे होते हैं, हमारे क्रश कैसे होते हैं, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा क्रश कैसा है। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना बता देता हूँ, मेरी वाली क्रश है दिन भर बर्तन धोती रहती है, क्योंकि वो सोडेक्स में काम करती है ना, तो बर्तन धोने का, तो दिन भर बर्तन धोती होती है। और इनका जो दीपम भाई है ना, दीपम भाई का क्रश आप देखोगे ना तो कसम से बोल रहा हूँ मर जाओगे, गिर जाओगे, लड़ जाओगे, पलट जाओगे, ऐसे करके आती है, काली काली करके है, बंटी बंटी है, काफी अच्छी है देखने में, तो उसका क्रश वो है। आपका क्रश कौन था? सोडेक्सो का मैनेजर। तो देखो यार बड़े लोग बड़े बड़े हाथ मारते हैं, हमारे बर्तन धोने वाले इन्होंने डायरेक्ट सोडेक्सो का मैनेजर को भी पटा लिया तो नहीं है, बात करता है। अब वो जो आई थी ना गोरी करके, हाँ नहीं काला तो ठीक है, तो एक गोरी करके लंबी लंबी है, खतरनाक है वो भी यार, आ गए वो चेंज है एक लड़की है, बड़ी बड़ी आंखें उसके, मतलब वो तो भाई किलर है, आगे कसम से बोल रहा हूँ, अगर उसको एक बार देखोगे ना आप भी चकरा जाओगे, बोलोगे ऐसा भी होता है क्या। तो मैंने देखा नहीं था, फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखा इतना बड़ा बड़ा आग, वो भी सफेद सफेद और बीच में काला, आग है भाई आग, सारे के सारे लड़के सफेद जैसा काला, कहना क्या चाहते हो आखिर, कहना क्या चाहते हो। तो हैदराबाद सिटी में काफी ठंडा है अभी, उतना गर्मी है नहीं, तीन दिन से बारिश आ रही थी, दो दिन हो गया बारिश बंद हो चुका है, तो उतना बारिश अभी है नहीं। मैं ऐसे कभी ब्लॉग नहीं बनाता, आदमी लोग मुझे देखते हैं ना, मुझे थोड़ा ऑकवर्ड सा फील होता है, फिर भी क्या है, बाहर में गया दुनियादारी यार, मेरे को काम करना है, ब्लॉग बनाना है, तो उसको शर्म और लाज तो हटाना ही पड़ेगा ना, तो यही है बेस्ट तरीका, इग्नोर करो, जस्ट इग्नोर करो सबको और अपने काम पे फोकस करो, फालतू की बातें होती रहती है, हम इसी रास्ते पैदल चलते हैं। इसलिए हमारा डीलर से लेकर रूम का अगर डिस्टेंस बताऊँ ना तो लगभग 2-2.5 किलोमीटर पड़ जाता है यार, रोज आना जाना पैदल ही लगा रहता है। मेरा मिड ड्यूटी था लेकिन पता नहीं, अब कल डीप क्लीनिंग है, डीप क्लीनिंग के बाद मंडे को न्यू ड्यूटी होगी, तो शिफ्ट का मालूम नहीं क्या होने वाला है, शायद मॉर्निंग ड्यूटी भी हो सकती है या मिड ड्यूटी भी हो सकती है या सेकेंड शिफ्ट भी हो सकता है। सेकेंड शिफ्ट होगा तो फटने वाली है, क्योंकि सेकेंड शिफ्ट में काम इतना रहता है ना यार, रात को 11 बजने के बाद क्लोजिंग होने के बाद सारा किचन क्लीनिंग करो, सारा आगे का लाइन जो स्टोर है वो क्लीनिंग करो, इन्वेंट्री लेना, MIS भरना, फिर बहुत सारे काम है, स्टॉक रूम और कटिंग तो अलग से भाई, कटिंग तो इतना होता है ना यार, एक बार में 2-3 घंटे के अंदर 90,000-95,000 का सेल होता है, तो काफ़ी प्रेशर रहता है, 2-3 घंटे का प्रेशर रहता है, उसके बाद कुछ होता नहीं, उतना खाली रहता है, तो बाकी वो 1.5 घंटा जो है ना बाय। कभी कभी मैं ऐसे देखता हूँ काउंटर में खड़ा हो गए, इतने सारे कस्टमर रहते हैं ना, सारे लाइन लगे रहते हैं, लाइन तो मज़ा भी आता है, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ रहा है, ठीक है। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, कभी भी आप वीडियो प्ले करते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा।